नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग एक न्यू सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग को डिस्कस करने चल रहे हैं, जो कि हमारा यूपी पॉलिटेक्निक के जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं उसमें फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में ये पेपर हमारा पूछा जाता है। और ये हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू पीटीई यूपी हम लोग डिस्कस करेंगे, मींस बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटेक्निक करते हैं बच्चे, उसमें जो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ड्राइंग आती है उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस सब्जेक्ट को हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे और इसके टोटल इस सिलेबस के अकॉर्डिंग संपूर्ण सिलेबस को हम लोग कंप्लीट इस चैनल पे अवेलेबल कराएंगे। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो हमारा चैनल चल रहा है दोस्तों, इस पे हम लोग पॉलिटेक्निक के सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के जो भी सेमेस्टर एग्जाम होते हैं उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो इवन सेमेस्टर में हो चाहे वो ऑड सेमेस्टर में हो, उनकी सारी क्लासेस हम लोग YouTube पर फ्री में अवेलेबल करवा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले इस सब्जेक्ट की स्टार्टिंग करते हैं जिसका नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये दोस्तों हमारा क्या होता है कि पॉलिटेक्निक में जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें जैसे हम फर्स्ट ईयर सिविल इंजीनियरिंग, फर्स्ट ईयर सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो ये तीनों ब्रांच में दोस्तों ये सब्जेक्ट पूछा जाता है। और तीनों ब्रांच में पूछने की वजह से इस सब्जेक्ट का काफी डिमांड होता है कि हमें पूरा सब्जेक्ट एक ही चैनल पे अवेलेबल करवाया जाए। तो हम प्रॉमिस करते हैं दोस्तों कि हमारे चैनल पे आपको ये सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग इसको कंप्लीटली पढ़ाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, समय को ना खराब करते हुए हम लोग पहले ये समझते हैं कि ये ड्राइंग हमारा क्या है। सबसे पहले हम लोग बेसिक ड्राइंग का इंट्रोडक्शन जानते हैं दोस्तों कि ड्राइंग क्या है। तो अगर हम इसके डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन हमारी क्या होती है कि जैसे सपोज करिए कि हम आपको कुछ पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो या तो हम आपको बोल कर वो चीज समझा सकते हैं या तो हम आपको लिख कर समझा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इंजीनियर को अपनी बातों को समझाना हो तो वो क्या करेगा, ड्राइंग के माध्यम से वो दूसरे को समझाता है। अब अगर रसिया में बैठा हुआ कोई व्यक्ति अपनी बिल्डिंग के नक्शे को इंडिया में भेजता है तो वहां से जो ड्राइंग बना के भेजेगा तो यहाँ इंडिया का इंजीनियर समझ जाएगा कि इस ड्राइंग में क्या क्या बनाना है, किस साइज का बनाना है, बिल्डिंग कितनी बड़ी होगी, कितने कमरे होंगे, कहाँ पे बालकनी दी जाएगी, तो सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों उस ड्राइंग शीट में दी जाती है। नहीं तो रसिया के इंजीनियर को चल के एक बार इंडिया आके बताना पड़ता कि इस ड्राइंग में हमें ऐसे ऐसे नक्शे चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों, अगर हम डिफिनेशन की बात करें, डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन जो हमारी होती है ये होती है ड्राइंग, ड्राइंग इज द, ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। ये हमने इंग्लिश में लिख जरूर दिया दोस्तों, लेकिन आपके लिए पूरे सब्जेक्ट हम लोग हिंदी मीडियम में अवेलेबल करवा रहे हैं। टोटल हिंदी में सारा सब्जेक्ट आपका चलेगा। ये तो बस ड्राइंग की एक डिफिनेशन हमने इंग्लिश में लिख दी, इसका हिंदी भी हम बता रहे हैं कि ड्राइंग एक इंजीनियर की भाषा होती है जो अपने भाषा में किसी भी नक्शे को बनाकर रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक सिंपल सी एक लाइन में इसकी डिफिनेशन होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों और ये देखेंगे कि ड्राइंग में हमारे सिलेबस क्या क्या है और उस सिलेबस को हम लोग अकॉर्डिंग टू बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बीटीई यूपी हम लोग इसको पढ़ाएंगे दोस्तों। और साथ में हम लोग जो भी बीटी यूपी में प्रीवियस ईयर में एग्जाम में क्वेश्चंस आए होंगे
टॉपिक वाइज उन क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व कराते चलेंगे, जिससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस भी होती चलेगी और आपका एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा कि हम जो जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस भी हमारे सॉल्व हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में सिलेबस हमारा क्या क्या है। ये तो आपको पता ही हो गया कि ये हम सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों ब्रांच के लिए कॉमन सिलेबस सब्जेक्ट पढ़ने चल रहे हैं। अब अगर सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो सिलेबस हमारा क्या है, देखिए सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट सिलेबस हमारा है इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमें क्या पढ़ना है, पहले हम परिचय पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग रेखाएं पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग लेटर, लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे माय डियर, हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, ड्राइंग का परिचय, ड्राइंग क्या होती है, ड्राइंग कैसे बनाई जाती है, ड्राइंग में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ड्राइंग की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कौन कौन सी विधियों का या मेथड का यूज करना चाहिए, कौन कौन से टूल यूज करने चाहिए, उन सारी चीज़ों की बेसिक इंफॉर्मेशन माय डियर इंजीनियरिंग ड्राइंग परिचय में आपको हम पढ़ाएंगे। देन रेखाएं और अक्षरण, लेटर राइटिंग जिसे हम बोलते हैं। देखिए माय डियर, हमारे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर एग्जाम में आपको परिचय से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, एक बार इंट्रोडक्शन में सावधानियों से क्वेश्चन आया हुआ है और एक बार कौन कौन से टूल्स ड्राइंग में यूज किए जाते हैं इससे क्वेश्चन आया है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन माय डियर, ये जो लेटर राइटिंग टॉपिक है एवरी ईयर प्रत्येक साल लेटर राइटिंग से एक क्वेश्चन फिक्स है और बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है। अभी जब हम इसको पढ़ाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि ये बहुत ही आसान टॉपिक होता है। वैसे तो पूरी ड्राइंग ही अगर हमें ना समझ आए तो फर्स्ट ईयर में जब हम एडमिशन लेते हैं और पहले ही सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट हमारे सामने आता है तो ऐसे लगता है कि ये कौन सा सब्जेक्ट हमारे सामने आ गया। हम जब हाई स्कूल या इंटर से पास आउट होकर आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, तो ये सब्जेक्ट हमारे लिए बिल्कुल नया होता है दोस्तों। इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा अगर कोई डरावना सब्जेक्ट होता है तो वो होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो हम आपके उस सारे डर को दूर करेंगे और हमारी कोशिश है दोस्तों कि हम ड्राइंग को ऐसा पढ़ें कि 50 नंबर में 45 प्लस नंबर हम लोग गेन कर सकें। कोशिश हमारी रहे 50 में 50 अटेम्प्ट करने की, अदरवाइज जितना मैक्सिमम मार्क्स हमें मिल पाए वो हमारी मेहनत पे डिपेंड करेगा। तो लेटर राइटिंग हो गया फर्स्ट टॉपिक। सेकंड सिलेबस में हमारे क्या है डियर, सेकंड है मापनी, मापनी मतलब स्केल, जैसे जो हम लोग पटरी का यूज करते हैं इसी को हम लोग मापनी बोलते हैं डियर। लेकिन ये मापनी हमारी क्या है कि हम लोग एक सिंपल सी स्केल यूज करते हैं, बट अगर इंजीनियरिंग में आएंगे तो इंजीनियरिंग में कौन कौन सी स्केल हमें यूज करना है, कितने टाइप की स्केल होती है, जैसे सरल मापनी, विकर्ण मापनी, जीवा मापनी, मतलब इसे इंग्लिश में कहें तो सिंपल स्केल, डायगोनल स्केल, कॉर्ड स्केल, वर्नियर स्केल, कंपरेटिव स्केल, तो ये सारे स्केल के हम लोग क्लासिफिकेशन को अच्छे से पढ़ेंगे। हर साल दोस्तों एक क्वेश्चन आपका इससे फिक्स है और बहुत इजी क्वेश्चन आता है। हम लोग क्या करेंगे, जब स्केल पढ़ेंगे तो स्केल से रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। लगभग 2010 या उससे बाद से जो भी पेपर्स में हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। थर्ड हमारा क्या होगा दोस्तों, थर्ड टॉपिक हमारा जो होगा प्रक्षेपों के सिद्धांत तथा लंबकोणी प्रक्षेप, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ड्राइंग में सबसे ज्यादा नंबर गेन करवाने वाला अगर कोई टॉपिक होता है दोस्तों तो यही टॉपिक होता है। इसी से सबसे ज्यादा, जैसे अगर 50 नंबर का पेपर है, 50 मार्क्स का पेपर है, तो उसमें 18 मार्क्स या 20 मार्क इसी का अकेले वेटेज होता है, इसी एक टॉपिक का अकेले वेटेज होता है। इसमें एक डायग्राम दिया होगा, आपको उसे देखकर उसको फ्रंट से कैसे दिख रहा है उसे बनाना है, मतलब इसका फ्रंट व्यू क्या है, इसका टॉप व्यू क्या है और इसका साइड व्यू क्या है, इन सारी चीजों को आपको बनाना है और ये सबसे मैक्सिमम मार्क्स का आता है।
नेक्स्ट हम बात इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जब हम लोग पढ़ेंगे तो 3D और 2D एनिमेशन के थ्रू हम लोग इसको इमेज के थ्रू बहुत अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम सिलेबस की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट सिलेबस की बात करें तो अब ये जो सिलेबस हमने डाल रखा है, देखिए अकॉर्डिंग टू बुक हमने नहीं डाल रखा है, इस सिलेबस को हमने अकॉर्डिंग टू बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन डाल रखा है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं को हमें पढ़ना है, बाकी की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है उसे हम नहीं रखे हैं इस सिलेबस में। तो नेक्स्ट जो हमारा है दोस्तों, बिंदुओं के प्रक्षेप जिसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। कोई एक बिंदु है, अगर वो किसी प्लेन में एक्स एक्सिस पे ऊपर है या नीचे है, मतलब अगर उसे हम बोले तो वहां हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन इस तरीके से पढ़ेंगे, और उन प्लेन में उस बिंदु की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ होगी, और उस लोकेशन पे अगर हम कोई टॉर्च या कोई चीज फोकस करें तो उसकी परछाई यानी कि प्रोजेक्शन कहाँ पे जाएगा और कैसा बनेगा उसकी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। इसीलिए हम कहते हैं दोस्तों इसका नाम बिंदुओं के प्रक्षेप, ये हमारा हो जाएगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना होगा दोस्तों, तो अब जैसे बिंदुओं से मिलकर लाइन बनती है, कई सारे बिंदुओं को आपस में हम जोड़ दें तो हमारी रेखाएं या लाइंस तैयार हो जाती हैं। तो बिंदुओं की जगह हम लोग रेखाओं को रखेंगे, उनको हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन से कुछ ऊंचाई पर ले जाएंगे, वर्टिकल प्लेन से कुछ सामने या पीछे ले जाएंगे, और उस पर देखेंगे कि वो एग्जैक्ट लाइन कहाँ जा रही है और उसका प्रोजेक्शन कहाँ पे बन रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ प्रोजेक्शन। इसी तरीके से लाइन के बाद नेक्स्ट और टॉपिक होगा दोस्तों, वो होगा जैसे रेखाओं के प्रक्षेप एंड प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, तलों के प्रक्षेप। अब कई सारी रेखाओं को आपस में अगर हम जोड़ दें तो एक प्लेन का निर्माण होता है, तो उस प्लेन यानी कि सतह यानी कि तल को हम हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर या नीचे ले जाएं, वर्टिकल से कितना आगे या पीछे ले जाएं, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन से कितना ऊपर नीचे और आगे पीछे ले जाएं, तो उसके बाद उस पर उस प्लेन का एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ होगा और उसका प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, उन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन इस पे हम लोग पढ़ेंगे। और दोस्तों ये तीनों टॉपिक मिलाकर एक क्वेश्चंस हर साल फिक्स है आना है, एवरी ईयर प्रत्येक साल इन तीनों में से कभी कभी बिंदुओं से आ जाता है, नहीं तो हर साल रेखाओं के प्रक्षेप से या तलों के प्रक्षेप से क्वेश्चंस आता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा टॉपिक, ठोसों के प्रक्षेप। अब जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, लाइन ऑफ प्रोजेक्शन पढ़ रहे हैं, तो अब लाइन से कई सारे लाइन मिला दिया तो तल प्लेन बना, अब कई सारे प्लेन को आपस में ऐड कर दिया जाए तो एक हमारे पास क्या बन जाता है, वो ठोस बन जाता है, मतलब एक आकृति बन जाती है। उस आकृति को अगर हम ठोस मान लें दोस्तों, तो उस ठोस को हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन में अप एंड डाउन पोजिशन चेंज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उस पर हम लोग एग्जैक्ट पोजीशन देखेंगे कहाँ होगी और उसका प्रक्षेप यानी कि प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, इसमें हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं दोस्तों, वस्तुओं के काट दृश्य प्रच्छेदन और निरूपण, उसे हम लोग इस टॉपिक में क्या पढ़ना होगा, इसमें हम लोगों को पढ़ना होगा दोस्तों कि जैसे कोई सॉलिड है उसको अगर हम हाफ पार्ट में काट कर अलग कर लें तो कटने के बाद वो हाफ पार्ट कैसा दिखाई देगा, उसकी सेक्शनिंग कैसी हमें करनी होती है, कहाँ कहाँ वो सॉलिड होगा, कहाँ कहाँ खोखला होगा, इसकी इंफॉर्मेशन हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, हम केवल उन्हीं टॉपिक को रखे हुए हैं जहाँ से क्वेश्चंस हर साल आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, मतलब हम अपने समय को बिल्कुल भी बेकार नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं सम परिमाण प्रक्षेप या जिसे बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। जैसे माय डियर हम लोग पढ़ेंगे लंबकोणी प्रक्षेप पढ़ते हैं, उसी तरीके से एक और प्रक्षेप होता है जिसे बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। प्रक्षेप और भी सारे होते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्शन भी होता है जिसे बोलते हैं तिर्यक प्रक्षेप, लेकिन हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, और इसके बाद अगला टॉपिक हमारा होगा दोस्तों चिन्ह तथा रूढ़ियां, मीन्स सिंबल एंड कन्वेंशंस, मतलब किसी चीज का सिंबल कैसा होता है। जैसे फर्स्ट एंगल में अगर हम ड्राइंग बनाएंगे तो उसका सिंबल क्या होगा, थर्ड एंगल में बनाएंगे तो उसका सिंबल क्या होगा, और हमने फर्स्ट और थर्ड एंगल का ही नाम लिया जबकि फर्स्ट के बाद सेकेंड आता है और थर्ड के बाद फोर्थ आता है, तो हम क्या सेकेंड और फोर्थ में ड्राइंग बना सकते हैं या नहीं, तो हम नहीं बना सकते हैं।
क्यों नहीं बना सकते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन अभी हम लोग जब पढ़ेंगे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, वहां पे आपको बहुत ही अच्छे से डीप एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देंगे दोस्तों। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अब ये हमारा हो गया डियर सिलेबस, जो कि अकॉर्डिंग टू बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन होता है। तो इसी सिलेबस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। माई सेल्फ एस डी पटेल और मैं यूपी पॉलिटेक्निक में 2015 से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, और 2015 से बच्चों को हमने ड्राइंग में भी काफ़ी गाइडेंस दिया है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, और साथ में हम बच्चों को थ्योरी ऑफ मशीन मैकेनिकल में हम कई सारे सब्जेक्ट डील करते हैं। फर्स्ट ईयर में हम मैकेनिक्स पढ़ाते हैं, ड्राइंग पढ़ाते हैं, तो इस तरीके से कई सब्जेक्ट आपको हमसे पढ़ने का मौका मिलेगा। साथ में हमारी पूरी सपोर्टिव टीम होगी, जो कि सभी ब्रांच, जैसे हमने कहा कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे सिविल के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के सब्जेक्ट हमारे चल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल के भी हमारे चल रहे हैं, तो सारे सब्जेक्ट आपको यूट्यूब पर फ्री अपलोड मिल जाएंगे, जिसको आप जाकर आसानी से देख सकते हैं और अपने एग्जाम में अपने मार्क्स को अच्छे से गेन कर सकते हैं, मतलब अपने परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। तो ये था हमारे बारे में इंट्रोडक्शन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि हमने बताया कि अगर हम ड्राइंग के डेफिनेशन की बात करें, तो देखो जो हाई स्कूल में हम लोग कला बनाते थे, वो हम लोग फ्री हैंड ऐसे बनाते थे कि वो देखने में कैसा लगता है, सुंदर लगता, उसकी एक आकृति हम लोग बनाते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं माय डियर, यहाँ पे हम लोग आकृति ना बनाकर उसका पूरा सेक्शनल व्यू बनाएंगे कि वो एक्चुअल में सामने से देखने पे कैसा लगेगा, टॉप से देखने पे मतलब ऊपर से देखने पे कैसा लगेगा, साइड से देखने पे कैसा लगेगा। तो इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, वही हमारी होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसकी डिफिनेशन मैंने बताई एक सिंपल सी वन लाइन में कि ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, मीन्स ड्राइंग एक इंजीनियर की भाषा होती है। अब आगे बढ़ते हैं माय डियर, आप सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि ड्राइंग कितने टाइप की होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, ड्राइंग के प्रकार। तो जैसे हमारी ब्रांच होती है माय डियर, देखिए फर्स्ट ईयर में सिविल, इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल, इन तीनों ब्रांच में माय डियर फर्स्ट ईयर की जो ड्राइंग होती है वो कॉमन होती है। लेकिन जैसे हम लोग सेकेंड ईयर में जाते हैं, तो सेकेंड ईयर में हमारी ड्राइंग क्या होती है डियर, ब्रांच वाइज डिवाइड हो जाती है, कंप्लीट चेंज हो जाता है, आपको उसमें कोई भी सिमिलरिटी दिखाई नहीं देती है। हाँ, लेकिन फर्स्ट ईयर का कुछ टॉपिक हमारा उसमें हेल्प करता है सेकेंड ईयर की ड्राइंग पढ़ने में, सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर की ड्राइंग पढ़ने में। तो अकॉर्डिंग टू ब्रांच अगर हम बात करें माय डियर, तो ड्राइंग को हमने कितने भागों में क्लासिफाई किया है, ड्राइंग हमारी कितने भागों में क्लासिफाई है, फर्स्ट बता रहे हैं ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, जिसे हम बोलते हैं ज्यामिति आरेखन, जिसे हम बोलते हैं ज्यामिति आरेखन। इसको हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों, एक पढ़ेंगे सरल ज्यामिति, जिसे प्लेन ज्योमेट्रिकल, एक सर्फेस पर हम लोग एक प्लेन लेकर बनाएंगे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे, और इसका दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे सॉलिड ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, मतलब ठोस ज्यामिति रचना, एक ठोस ऑब्जेक्ट लेंगे उसको हम लोग देखेंगे, उसका सरफेस डेवलपमेंट करेंगे, वो कैसा बनेगा, उसकी पोजीशन क्या होगी। तो ये टॉपिक हमारा हो जाएगा ज्यामिति आरेखन के प्रकार के अंतर्गत। सेकेंड अगर हम बात करें दोस्तों, तो सेकेंड हमारा हो जाएगा जनपदी आरेखन। जो भी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे, वन ऑफ द मोस्ट क्रीमियस्ट ब्रांच इन इंजीनियरिंग, ऐसा नहीं कि हमने सिविल की तारीफ की तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल बेकार है, सभी ब्रांचें अच्छी हैं, लेकिन वर्तमान में करंट में अगर ब्रांच की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग इज द मोस्ट डिजायरेबल ब्रांच है। मैक्सिमम बच्चों की इच्छा होती है कि हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करें। तो ये हो गया सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गई। अब सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग बिल्डिंग कैसे बनाते हैं, पुल कैसे बनाते हैं, सड़क कैसे बनाते हैं, रेलवे ब्रिज कैसे बनाते हैं, रेलवे की पटरियां कैसे बिछाते हैं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ते हैं। तो ये हमारा होता है सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग।
थर्ड क्लासिफिकेशन हम लोग, अब सिविल के बाद हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। तो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो हम लोग सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में ड्राइंग पढ़ते हैं माय डियर, कि हमारा जैसे विद्युत का जब हम लोग इलेक्ट्रिकल मतलब हम लोग बिजली का जब हम लोग स्विच कहाँ लगाना है, सॉकेट कहाँ देना है, वायरिंग कैसे करनी है, कहाँ पे पॉइंट वायरिंग करनी है, इन सारी कहाँ पे कौन सी मोटर लगनी है, कहाँ पे बल्ब लगने हैं, बल्ब सीरीज में लगने हैं या समांतर में लगने हैं, तो इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़ते हैं माय डियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब नेक्स्ट ब्रांच, एक और इम्पॉर्टेंट बहुत ही हाईलाइट ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो उस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें दोस्तों, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चलिए अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसके पहले इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स की ड्राइंग हम लोग कैसे करते हैं, उसे हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो फोर्थ पार्ट हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ड्राइंग, फिफ्थ हो गया हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग या मशीन ड्राइंग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन को अगर हम लोग ड्राइंग में बनाते हैं और मशीन के पार्ट्स को बनाते हैं, जैसे लेथ मशीन, सेपर, प्लेनर, स्लॉटर, स्क्रू जैक, तो इन सारी चीज़ों को जो हम लोग ड्राइंग में बनाते हैं वो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, वो आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत। आगे बात करेंगे लास्ट जो हमारा सिक्स टाइप ड्राइंग का है वो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ड्राइंग। कृषि से संबंधित जो भी टूल और इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं दोस्तों, उनको जब हम ड्राइंग पे बनाते हैं तो उसको हमने एक अलग कैटेगरी में रखा और उसकी कैटेगरी हमारी हो गई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो ये हो गया दोस्तों हमारा ड्राइंग में सिलेबस क्या है, उस सिलेबस को हमें पढ़ना है, और दूसरा हमने बताया ड्राइंग का इंट्रोडक्शन, और साथ में हमने ये डिस्कस किया कि ड्राइंग कितने टाइप का होता है। तो इन सारी चीजों को हमने दोस्तों अच्छे से डिस्कस किया। अब बात करते हैं दोस्तों कि जैसे कोई भी ड्राइंग हम बनाते हैं, अब ड्राइंग सब्जेक्ट हमारे पास है, हम मार्केट में पहले कौन सी चीजों को परचेज करने जाएं, विदाउट इंफॉर्मेशन आप मार्केट से कोई भी चीज परचेज नहीं करेंगे। सारी इंफॉर्मेशन जो हम लोग बताएंगे या जो आपके क्लास टीचर बताते हैं उस उन सबके अकॉर्डिंग ही आप चीजों को परचेज करेंगे। ये बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन है, बच्चों को पता नहीं होता है। इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में नए नए एडमिशन मिल जाता है और जाते हैं कुछ भी इक्विपमेंट खरीद के लेके चले आते हैं लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से, और बाद में वो इक्विपमेंट हो सकता है उनके काम का ही ना हो, हो सकता है वो कुछ खराब हो, कैसे चेक करना है कहाँ से खराब है, तो वो सारी चीज़ें आपको क्लास टीचर या हम लोगों के माध्यम से बताया जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे डियर, सबसे पहले देखेंगे कि हम किसी भी ड्राइंग को पढ़ें या बनाएं तो उस ड्राइंग में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है और उस इंफॉर्मेशन में क्या क्या होना चाहिए। जैसे हमने सपोज करिए कि एक मशीन बनाना था, हमने मान लिया कि लेथ मशीन हमें बनानी है, तो अब उस लेथ मशीन में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमारी ड्राइंग शीट में, उन्हीं सारी चीजों का हम लोग डिस्कशन करने चल रहे हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे डियर, जो ड्राइंग में विवरण है मतलब डिटेल्ड ड्राइंग, उसकी डिटेलिंग यानी कि क्या क्या होना चाहिए, तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे डियर। सबसे पहले अगर पॉइंट फर्स्ट की बात करें तो हमें सबसे पहले डियर किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए उसमें जो अवयव के आकार का विवरण पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अगर हम लेथ मशीन का एग्जांपल ले लिए या सिविल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी ब्रिज का एग्जाम्पल ले लिए या इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी मोटर की डिजाइन करना चाह रहे हैं, तो हम तीनों ब्रांच के अकॉर्डिंग कोई भी एक एक एग्जाम्पल ले लें और उसको हम बनाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले माय डियर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसमें कौन कौन से अवयव यानी कि एलिमेंट लगेंगे और उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए, अधूरी इंफॉर्मेशन नहीं। उसका साइज क्या होगा, कैसे होंगे और कितने नंबर ऑफ पीसेस यूज किए जाएंगे, ये सारी उसकी इंफॉर्मेशन, किस मटेरियल का बनाया जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अवयव के आकार का विवरण मतलब उसका साइज कैसा होना चाहिए। आगे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो होगा वो हो गया अवयव के हर माप का विवरण। सबसे पहले हमें जो सपोज करो हमें लेथ मशीन बनाना था, तो लेथ मशीन पे हमें उसके पहले
किस शेप का होना चाहिए ये जरूरी होना चाहिए, उसका शेप कैसा होना चाहिए ये हमारे पास जरूरी होना चाहिए। दूसरी बात, शेप पता चल गया कि रेक्टेंगल होगा या ट्राइंगल होगा या स्क्वायर होगा, तो अब शेप जब पता चल गया माय डियर, तो हम क्या करेंगे, शेप के बाद हम क्या करेंगे, हमें उसका माप बहुत जरूरी है, मतलब कितनी लंबाई में होना चाहिए, कितनी चौड़ाई में होना चाहिए, होल है कि नहीं है, कट कहाँ कहाँ होगा, कहाँ स्लॉट बनेंगे, उसे हम बोलते हैं उसका माप यानी कि मेजरमेंट होना चाहिए। अब शेप पता चल गया, मेजरमेंट पता चल गई, तो अब ये भी नेक्स्ट पार्ट हमारा ये जरूरी है दोस्तों कि वो मशीन किस मटेरियल की बनाए, प्लास्टिक की बनाए, आयरन की बनाए, स्टील की बनाए, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी होता है थर्ड हमारा कि अब किस मटेरियल यानी कि उपयुक्त पदार्थ की विशिष्टियां, कौन से मटेरियल का हम लोग यूज करेंगे उस ड्राइंग को बनाने में। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। आगे बात करते हैं माय डियर अवयव पर आवश्यक उत्पादन प्रक्रम का विवरण। अब उस पर जो भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करेंगे, ऑब्वियसली है कि अगर हम कोई चीज बना रहे हैं कोई मशीन, तो वो अपने प्रॉफिटेबल वर्क के लिए ही बना रहे हैं। अब उससे जो भी हम प्रॉफिटेबल वर्क करेंगे वो हमारा एक क्या होगा, उत्पादन प्रक्रम यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहलाएगा। ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, उस पर हमें क्या है कि सरफेस फिनिश, जैसे कि अब अगर मान लो कि हम लेथ मशीन का बेड बनाना चाह रहे हैं, तो बेड की अपर सरफेस हमें एकदम फिनिश चाहिए, लेकिन जो सरफेस जमीन पर रखी जाएगी उस पर हम फिनिश करें या ना करें कोई जरूरी नहीं है। तो जहां पे जरूरत नहीं है सरफेस फिनिश की, मतलब सरफेस पे स्मूथ करने की, तो हम वहां फिनिशिंग करके क्यों उसकी कास्ट बढ़ाएं। तो ये जरूरी होना चाहिए कि कौन कौन से सरफेस हमें फिनिश चाहिए वहां पर हम फिनिशिंग ऑपरेशन कर लेंगे। देन यथार्थता और उसकी लिमिट, एक्यूरेसी भी बहुत जरूरी होता है ड्राइंग में किसी भी चीज की, कि कितनी परसेंट एक्यूरेसी हमारी हो रही है। अब हमें 100 mm लंबाई में बनाना था, हम बना दिए 90 mm, तो 10 mm का हमारा साइज छोटा हो गया, या 115 mm का बना दिए तो 15 mm साइज में बड़ा हो गया। तो हमें इस बात का भी बहुत ध्यान रखना होगा दोस्तों कि एक्यूरेसी और लिमिट में रहनी चाहिए हमारी साइज और शेप, साथ में आवश्यक अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे नट एंड बोल्ट लग रहे हैं तो कितने नट एंड बोल्ट लग रहे हैं इसकी इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए, स्क्रू लग रहे हैं, पेच लग रहे हैं, कपलिंग लग रही हैं, तो ये सारे सारे अवयवों के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए कि कितने अवयव किस संख्या में लग रहे हैं। तो ये हमारा हो गया डियर ड्राइंग में जो भी हम लोग क्या है कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिटेल्ड डिस्कशन थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम क्या करेंगे माय डियर, ये तो हो गया हमारा लेक्चर फर्स्ट। सेकंड लेक्चर में हम क्या करेंगे माय डियर, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको डिस्कस करेंगे कि जब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग सिलेबस पढ़ते हैं तो उसमें कौन कौन से, या ड्राइंग बनाते हैं तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाएंगे इसका डिस्कशन करेंगे हम लोग, और इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ उन इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिटेल्ड हम लोग बताएंगे, और डिटेल्ड जैसे हम लोग मिनी ड्राफ्टर पढ़ेंगे, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, कंपास, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, और उसके साथ हम लोग उसके बारे में अंदर डिटेल्ड स्टडी करेंगे, और साथ में ड्राइंग में कौन कौन से सावधानियां यूज करते हैं उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप आपको हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और अपने पॉलिटेक्निक के जितने भी दोस्त हैं, जो भी सब मित्र यार हैं, आप उनको किसी भी पॉलिटेक्निक में वो पढ़ रहे हों, हमारे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। ये चैनल हमारा पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस के नाम से है, जिसमें हम लोग केवल पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर क्लास के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आज इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू माय डियर।